उनकी माँ कितना तड़प रही है, एक बेटी की एक सिर्फ सजा नहीं हो पा रही है, बेटी के दोषियों को ऐसे खुला अभी तक बस रूम में बंद करा हुआ है, क्या वो कर रहे हैं, कितने साल गुजर गए हैं, लोग कर क्या रहे हैं, लोग पता नहीं क्यों शायद कुछ अनपढ़ गवार लोग हैं या पता नहीं क्या है उनके, क्या मेंटेलिटी है, आखिर लोग और ज्यादा करेंगे, इस पे जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से उनको रोड पे लाकर पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए ताकि लोगों के अंदर डर भी दिखे, उनको दिखेगा लाइफ की हो क्या रहा है। जब निर्भया केस का जो सीन आया था 16 दिसंबर 2012, उस टाइम पर मेरी फ्रेंड मेरे घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं थी, मुझे उसके घर जाने से भी डर लगता था। कैसा विश्वास करेंगी, वही सनी देओल का तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही चल रहा है। आज के दिन में इनको खिला पिला के बोटे कर रहे हैं, उनको तो संग संग मारना चाहिए गोली, सब गला काट के फेंकना चाहिए, पब्लिक पब्लिक मारेगी पकड़ के लगा, यहाँ छोड़ दे पब्लिक, दो मिनट मार देगी उनको। नमस्कार, मैं खुशबू झा लोकबात में आपका स्वागत करती हूँ। 2012 से अब तक 16 दिसंबर की वो रात और आज की रात, क्या बदलाव आए हैं और क्या कार्य हुए हैं निर्भया के केस पे? पूरा भारत जानता है कि निर्भया के दोषियों को अभी तक सज़ा नहीं हुई। पूरे भारत में किसी ने उसे अपनी बहन बताया तो किसी ने उसे अपनी बेटी बताया, पर अभी तक उसके दोषियों को वो सज़ा नहीं मिली है जिसके वो हकदार हैं। वो अभी भी जेल में अपनी याचिकाएं डाल रहे हैं और सज़ा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बार फांसी टल चुकी है और 4थी बार फांसी होने की तैयारी है। 20 मार्च 2020 को उनकी नई फांसी की डेट आई है, क्या इस तारीख पे उनको फांसी होगी? उनके वकील एपी सिंह जी एरी चोटी का जोर लगा रहे हैं और दोषियों को फांसी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच प्रेस रिलीज में उन्होंने मीडिया से एक बातचीत में कहा कि यदि भारत में महिला आयोग की तरह एक पुरुष आयोग भी हो जिसमें पुरुषों की बात रखी जाए और पुरुषों की सुनी जाए तो शायद ये दोषी ना होकर निर्दोष कहलाएंगे। तो क्या उन वकीलों का ये मानना है कि निर्भया जैसे मामले में जो दोषी पाए गए हैं वो दोषी नहीं निर्दोष हैं, वो बालिग नहीं नाबालिग हैं, उन्होंने वो दोष किया ही नहीं, वो गुनाह किया ही नहीं जिसके लिए उन्हें सजा दी जा रही है? तो क्या इस पर दिल्ली का और दिल्ली के दिल में बसने वाले सीपी में उपस्थित लोगों का भी यही कहना है? तो आइए जानते हैं उनसे उन्हीं की बात में। आपका शुभ नाम? पूजा। पूजा, निर्भया के दोषियों की 3 बार सजा टल चुकी है, 4थी बार 20 मार्च तय की गई है, सजा निर्भया मर चुकी है, दोषी अभी तक जिंदा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें पूरी पूरी प्रशासन की गलती है, सरकार को सोचना चाहिए कि लड़कियां कितनी सेफ है, आगे जाकर के लड़कियों पर क्या जुल्म हो सकते हैं। अभी यहाँ पर हैदराबाद में भी एक रेप केस हुआ था और लोग कर क्या रहे हैं, लोग पता नहीं क्यों शायद कुछ अनपढ़ गवार लोग हैं या पता नहीं क्या है उनके, क्या मेंटेलिटी है, आखिर लोग और ज़्यादा करेंगे, इस पे जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से उनको रोड पे लाकर पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए ताकि लोगों के अंदर डर भी दिखे, उनको दिखेगा लाइफ की हो क्या रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, मुझे भी ये लगता है। थोड़ा सा अगर आप अगर उनको अगर जनता के हवाले कर देंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमारे जनता है वही डर रही है, प्रॉब्लम ये है। तो सर क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जनता को कानून पे विश्वास नहीं है? काफ़ी हद तक आप सही कह रही हैं, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। तो अगर इन दोषियों को जो जनता के बीच से उठ के आते हैं उन्हें जनता के बीच छोड़ दिया जाए तो हल है यही समस्या? इसका हल यही है ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि जो हमारी जनता है वो भी थोड़ी अवेयर होगी, उनको ये लगेगा कि यार ये तो आम इंसान है, इसको पीटो मारो ज़्यादा, एटलीस्ट इतना अवेयर हो जाएंगे कि हाँ लड़कियों को अगर वो टच भी करने के सोचेंगे तो अंदर डर आएगा कि पब्लिक के हवाले किया जाएगा तो। बिल्कुल, और फिर पब्लिक पता नहीं क्या करेगी, कुछ नहीं पता उसका, क्योंकि आज भी हम लोग भी अगर घर से निकलते हैं सोचना पड़ता है कि यार हम वहाँ जा रहे हैं क्या, ये ठीक है या नहीं है। और जब निर्भया केस का जो सीन आया था 16 दिसंबर 2012, उस टाइम पर मेरी फ्रेंड मेरे घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं थी, मुझे उसके घर जाने से भी डर लगता था कि इतना अंदर हो चुका था कि हमारी दिल्ली में हो क्या रहा है, क्या लोग कर रहे हैं। सही बात है। तो जल्द से जल्द कानून को अपना फैसला बदलना चाहिए और देख उनकी माँ कितना तड़प रही है, एक बेटी की एक सिर्फ सजा नहीं हो पा रही है, बेटी के दोषियों को ऐसे खुला अभी तक बस रूम में बंद करा हुआ है, क्या वो कर रहे हैं, कितने साल गुजर गए हैं,
तो इस पे जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। धन्यवाद सर। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जो निर्भया के दोषियों की 3 बार सजा टल चुकी है, चौथी तारीख आई है और वकीलों ने ये कहा है कि एक भारत में एक ऐसे पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए जहां पुरुषों की बात रखी जाए और जहां ऐसे ऐसे दोषियों को निर्दोष साबित कर दिया जाए, तो क्या आप इस बात से मत अपना रखते हैं? हम तो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है और हमारा बोलना है कि जो वकील ये दलील दे रहे हैं, या तो उनके घर में ऐसा हादसा होता था तो उनको मालूम होता था, अदरवाइज जजमेंट यही है कि वो वकीलों को रोड पे छोड़ दो, पब्लिक बात कर लेंगे, मीडिया उसको कुछ नहीं कर सकेगी। तो अब आपको लगता है कि जो 20 मार्च की तारीख तय की गई है उस पे फांसी होगी? अब कैसा विश्वास करेंगे, वही सन्नी देओल का तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही चल रहा है। फांसी देके बनाओ ना उसको, पुरुष आयोग बनाओ, फांसी देके बनाओ ना, अभी क्यों याद आया, एक दिन पहले सोए हुए थे क्या आप? पर उनका ये कहना है कि वो जो दोषी है वो निर्दोष है और यदि कोई पुरुष आयोग होता तो फिर कोर्ट गलत है। जी वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट, वो ये पुरुष प्रधान समाज जो है वो स्त्रियों की ज्यादा सुनता है क्योंकि कोई पुरुष आयोग नहीं है और यदि कोई पुरुष आयोग होता। घर में ये घटना नहीं घटा ना, जिसके ऊपर बीतता उसके साथ पूछो क्या, जिसके घर में बीता होता तो वो वकील छोड़ दिए होते हो, उनको अपने ऊपर बताना चाहिए था, तब पुरुष आयोग का बात करते, क्या बात करते तो समझ में आता हो। तो आप इस बात से मत नहीं रखते हैं कि एक ऐसे पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए? फांसी देने में इनको खिला पिला के बोटे कर रहे हैं, उनको तो संग संग मारना चाहिए गोली, संग संग गोली मारना चाहिए, सब गला काट के फेंकना चाहिए, पब्लिक मारेगी, पकड़ के लाके यहाँ छोड़ दे, पब्लिक 2 मिनट मार देगी उनको, इनको पालपोस से बोटे कर रहे हैं, अपने देश का कानून है, इंदिरा गांधी को मार के जिंदा रहा तो ये तो साला छोटा चीज है। नमस्कार, हमारे लोकबात चैनल में आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम? उमर। उमंग? उमर। उमर, तो उमर जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि निर्भया केस आप सबको पता है और आप जानते हैं कि 2012 से लेकर अभी तक उनके आरोपियों को सज़ा नहीं मिली है, 3 बार फांसी टल चुकी है, चौथी बार फांसी होने वाली है और चौथी बार फांसी से बचाने के लिए जो दोषियों के वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने ये दलील दी है कि यदि हमारे भारत देश में महिला आयोग की तरह एक पुरुष आयोग भी होता जहाँ पर पुरुषों की बात रखी जाती, पुरुषों के हितों के बारे में सोचा जाता तो शायद इन निर्दोषों को सजा नहीं होती। तो क्या आप उन वकील की बातों से ताल्लुक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो एक तो इन्होंने रेप करा है, दूसरी बात इतना टाइम हो गया, ये कांड भी हुए काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन अभी तक ये फांसी नहीं हो पाई है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र पर एक सवाल उठता है, एक समाज को देखते हुए जितना भी इतना बड़ा केस हुआ है ये अब तक फांसी हो जानी चाहिए थी, मतलब कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए, बार बार ये इस तरीके से तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कानून का मिसयूज़ क्यों कराया जा रहा है, तो इन्हें जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो उनको फांसी नहीं हो रही है वो कानून का मिसयूज़ है, या फिर आपको भी लगता है कि भारत में एक पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिसयूज़ हो रहा कानून का और इन लोगों को जल्द से जल्द देनी चाहिए थी फांसी, इन्हें टाइम देना बहुत गलत है। तो कुछ लोगों की ये राय है कि मिसयूज़ हो रहा है कानून का, यानी कानून का उस ढंग से उपचार या प्रयोग नहीं हो रहा है जिस ढंग से होना चाहिए। निर्भया केस के बाद हमारे देश में बलात्कारियों के लिए कई नियम बनाए गए, कईयों को कड़ी सज़ा सुनाई गई, पर अभी तक अगर यदि हम देखें तो निर्भया के उन दोषियों को सज़ा नहीं मिली है। अगली तारीख 20 मार्च की तय की गई है, उससे पहले वो अपने पूरे हाथ पैर के जोड़ लगा रहे हैं कि इस सज़ा को भी, इस तारीख को भी टाल दी जाए। और जो उनकी वकीलों की राय है या उनके वकीलों की जो दलीलें पेश की जा रही हैं कि भारत में महिला आयोग के साथ एक पुरुष आयोग की भी स्थापना होनी चाहिए जिसमें वो उन जैसे दोषियों को निर्दोष साबित करके इस समाज में खुला छोड़ सकें, तो आइए और कुछ पुरुषों की राय लेते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत देश में एक पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए जहां दोषियों को निर्दोष साबित करके खुलेआम छोड़ देना चाहिए? मैं इस बात से एग्री नहीं करता, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो जो और भी हैं रेप केसेस दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं तो उन जो और भी लोगों को बढ़ावा मिलेगा इस बारे में,
तो मैं चाहता हूँ कि तारीख पे तारीख ना देके उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ताकि दूसरे दोषियों को भी और जो आगे फ्यूचर में क्राइम करेंगे उनको भी ऐसा फील हो, एक डर बना रहे उनके दिल में कि हाँ, और इस अपना लेडीज़ और गर्ल्स की सेफ्टी प्रायोरिटी पे आ जाए। आप देख रहे थे लोक बात, जनता की बात जनता के साथ, जहां हमने देखा कि निर्भया के दोषियों पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। इस लोकतांत्रिक समाज में, इस लोकतांत्रिक देश में, जहां लोकतंत्र का नाश हो रहा है, लोगों को कानून व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है, लोग कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, जहां बेटी को देवी बनाकर उसकी पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे रात को निकलने नहीं दिया जाता है, उसके दोषियों को अभी तक सजा नहीं दी गई है। तो इन्हीं चर्चा पे देखते रहिए हमारे साथ लोक बात, जनता की बात जनता के साथ। मैं खुशबू झा, कैमरामैन प्रेरणा आनंद के साथ, नई दिल्ली।